मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 3 के कंसेप्ट को। इसके पहले हमने टाइप 2 और टाइप 1 कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप 3 और इस कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है। तो मेरा आज का जो कंसेप्ट है वो है अनुपात का एक पद समान करना, अर्थात रेशियो का जो पद एक होता है या दूसरा पद होता है, उन दोनों पदों में से एक पद को हम समान करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम क्यों समान करेंगे और हम कैसे समान करेंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इस कंसेप्ट को हम आपको समझाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो है कि 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 5:2 है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। तो पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर इस कंसेप्ट को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से आते हैं। देखिए, मिल्क और वाटर का जो रेशियो आपको दे रखा है वो दे रखा है 5:2, लेकिन जो इसका कुल मात्रा है वो कितना लीटर है, तो 42 लीटर है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 और 2 7 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो कितना लीटर होगा, 42 लीटर। तो अगर सिंगल यूनिट का बात किया जाए तो ये कितना लीटर हो जाएगा, तो 6 लीटर हो जाएगा। अर्थात एक यूनिट का वैल्यू यदि 6, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 5 × 6 अर्थात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 2 × 6 अर्थात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 42 लीटर के मिश्रण में 30 लीटर आपका मिल्क है और 12 लीटर आपका क्या है, पानी है। लेकिन प्रश्न में फिर कहा जा रहा है आगे चल के कि इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया, क्या मिला रहा है, पानी। तो हमने पानी में मान लिया कि एक्स लीटर हमने क्या किया, मिला दिया। दूध आपका 30 है, पानी 12 था, इसमें हमने एक्स लीटर क्या निकाल मिला दिया, पानी मिला दिया। तो अब जो इसका रेशियो बन गया वो रेशियो क्वेश्चन के अनुसार कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। तो हमें यही ज्ञात करना है कि एक्स का वैल्यू क्या है, हमने कितना पानी मिलाया है। तो चलिए दूर का गुना दूर से करेंगे और नजदीक का गुना नजदीक से। तो कैलकुलेट करते हैं, 30 × 4 तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहां से करेंगे तो 12 × 3 बढ़ती यही 36 हो जाएगा, और 3x+ ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर आप इसमें से घटाते हैं 36 तो ये आपका आ जाएगा 3x बराबर, तो यहां से 20 घट गया और फिर 16 घट गया, तो 84 आ जाएगा। तो जो x का वैल्यू होगा वो 84/3 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा कितना, तो 3 × 6 और 38 का 24 अर्थात 28 लीटर इसमें हमने पानी क्या किया है, मिलाया है। तो ये था मेरा बेसिक अप्रोच। हमने अभी इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया, हमने बेसिक बता दिया ताकि आपको कभी भी प्रश्न में ये मन के अंदर भावना न आए कि ये आखिर बेसिक से कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट को जिसका नाम है अनुपात का एक पद समान करना। मान लीजिए कि आप दूध बेचते हैं, आप क्या करते हैं भाई, दूध बेचते हैं, आपके पास बहुत सारे गाय हैं और आप क्या करते हैं, दूध बेचते हैं। ये आपका एक बाल्टी है जिसमें आप डेली दूध दोहते हैं और इसमें रखते हैं, और इसमें आपने दूध दुहकर और पानी डालकर पहले से रखा हुआ है अपने ग्राहक को देने के लिए। जैसे हमने मान लिया कि यहां 4 लीटर आपका क्या है, तो 4 लीटर आपका मिल्क है और 1 लीटर आपका क्या है, तो ये आपका वाटर है। अर्थात इस बाल्टी में 4 लीटर क्या है भाई, तो 4 लीटर आपका दूध है और 1 लीटर आपका क्या है, पानी है। ये डेली का आपका काम था, आप 5 लीटर इस तरह से मिश्रण तैयार करते थे और अपने ग्राहकों में बांट देते थे। आपके 3 ग्राहक थे, पहले ग्राहक का नाम था ए, दूसरे ग्राहक का नाम था बी
और तीसरे ग्राहक का नाम था सी। इसको आप 2 लीटर देते थे, इसको भी आप 2 लीटर देते थे और इसको आप 1 लीटर देते थे। इस प्रकार से आपका 5 लीटर जो दूध है, अर्थात दूध और पानी का जो मिश्रण है, वो इन्हें मिल जाता था। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन एक ग्राहक और बढ़ गया। एक ग्राहक क्या हुआ, और बढ़ गया, जिसका नाम था डी। डी आपके पास आया और बोला कि भाई साहब मेरे को दूध चाहिए। तो आपने कहा, आपने अपने मन में सोचा कि यहां पर तो 5 ही लीटर मेरे पास दूध है, अर्थात दूध और पानी है, तो हम अब इसको कैसे देंगे, क्योंकि पहले से तो मेरे पास ग्राहक है ही। तो आपने क्या किया कि बाहर से इसमें 1 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। 1 लीटर आप इसमें क्या डाल दिए, वाटर डाल दिए। तो 1 लीटर जब वाटर डाल दिए तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब आप इसमें 1 लीटर वाटर डालते हैं तो जो ये वाटर पहले से 1 लीटर था, 1 लीटर और हो जाएगा तो ये बढ़ के कितना लीटर हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। लेकिन क्या इस मिल्क पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस मिल्क पर कोई प्रभाव पड़ेगा, मिल्क पहले भी 4 लीटर था और मिल्क अब भी क्या है, 4 ही लीटर है। फिर क्या हुआ कि एक और ग्राहक पहुंच गया, इस ग्राहक का नाम था ई। इसने बोला कि भाई साहब मेरे को भी 1 लीटर और चाहिए, तो 1 लीटर मांगा ही था, इसने भी कहा कि मेरे को भी 1 लीटर और चाहिए। तो आपने फिर क्या किया कि 1 लीटर पानी बाहर से फिर आपने इसमें क्या किया, डाल दिया। तो जब आप इसमें डालेंगे तो ये मिश्रण पहले 5 लीटर था, 1 लीटर पानी आपने डाला तो 6 लीटर हो गया, जिसमें 4 लीटर आपका मिल्क हुआ, 2 लीटर आपका क्या हो गया, पानी हो गया। अब फिर आपने इसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया तो मिश्रण फिर 1 लीटर बढ़ेगा, लेकिन किस में बढ़ेगा, तो 1 लीटर बढ़ के ये 3 लीटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। लेकिन क्या इस मिल्क पर कोई प्रभाव पड़ा, दूध पर कोई प्रभाव पड़ा? अब देखिए इस घटना से एक चीज सीखने को मिल रही है कि यदि कोई मिश्रण दिया गया है, कोई भी मिश्रण दिया गया हो, उसमें किसी पार्टिकुलर चीज को आप मिला रहे हैं, जैसे कि यहां दूध और पानी था, हम सिर्फ पानी को मिलाए जा रहे हैं, तो प्रभाव पानी पर पड़ेगा, दूध पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नोट करके आप एक बात लिखेंगे, ये नोट करके आप एक बात लिखेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक राशियों का, अधिक राशि नहीं पदार्थों का अनुपात दिया गया हो और उनकी मात्रा भी हो, तो जिस पदार्थ को हम मिश्रण में डालेंगे या मिश्रण से निकालेंगे, उसका मात्रा परिवर्तित होगा, परंतु शेष के मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझेंगे इस बात को एक बार फाइनल। कोई भी मिश्रण दिया हुआ है, उस मिश्रण में जिस पदार्थ को हम डालेंगे या जिस पदार्थ को हम निकालेंगे, मात्रा उसी का प्रभावित होता है, अन्य का मात्रा प्रभावित नहीं होगा। तो जिसका मात्रा प्रभावित हो रहा है उसे छोड़ देंगे, लेकिन जिसका मात्रा प्रभावित नहीं हो रहा है उसके पद को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। उसके पद को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। अनुपात का एक पद समान करने से सेंस है कि जिसका मात्रा प्रभावित नहीं होता है उसके पद को हम क्या कर देंगे भाई, तो समान कर देंगे, अर्थात उसके वैल्यू को, रेशियो के मान को इक्वल कर देंगे। क्यों कर देंगे, इसका जवाब मिल गया। अब जवाब है कैसे करेंगे।
तो कैसे करेंगे, तो वैल्यू को इक्वल करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, तो वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेकर के उस पद को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम इस कंसेप्ट से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दूध और पानी के मिश्रण में इसका अनुपात 5:2 है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 5:2 है, जबकि मिश्रण कितना लीटर है, तो 42 लीटर है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। ये अब क्या हो जा रहा है, तो 3:4 हो जा रहा है। अब समझने वाली बात है, देखिए हमने क्या मिलाया भाई, तो हमने मिलाया पानी। तो हम जब पानी मिलाएंगे तो पानी का मात्रा क्या होगा, बदलेगा, परिवर्तित होगा, लेकिन दूध का मात्रा क्या होगा, तो ये अपरिवर्तित होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ध्यान देंगे जब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है तो रेशियो में ये यहां पर 5 है और यहां पर क्या है, 3 है। आपके लॉजिक के अनुसार, हमारे लॉजिक के अनुसार इस मिल्क का वैल्यू यहां उतना ही होना चाहिए जितना कि यहां पर है, या जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये रेशियो में 5 दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसलिए हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे, समान करेंगे। क्यों समान करेंगे पता चल गया, अब कैसे समान करेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम बोलिए क्या होता है, 15 होता है। तो इसे 15 करने के लिए किससे गुना, 3 से, और इसे 15 करने के लिए किससे गुना, 5 से। जब आप रेशियो के इस पद में 3 से गुना करते हैं तो इसमें भी 3 से करेंगे, इसमें 5 से करते हैं तो इसमें भी किससे करेंगे, 5 से गुना करेंगे। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना था मेरा, 42 लीटर, लेकिन यहां पर कितना हो गया, तो 35 यही 15, 3 दूनी 6, कितना 21, 15 6 21। तो इस 42 का कंपेरिजन हम किससे करेंगे, तो बोलिए 21 से करेंगे। अब हमसे पूछा गया कितना पानी मिलाया गया, तो देखिए पानी पहले कितना था, तो 3 दूनी 6 था, अब कितना हो गया, तो 5 का 20 हो गया, तो 6 से 20 हो गया, बोलिए कितना पानी इसे मिलाया गया, 14। तो जो चाहिए उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 14 से हमने यहाँ गुना कर दिया, 21 दूनी 42, 14 दूनी 28, अर्थात 28 लीटर पानी इसमें क्या किया गया, मिलाया गया। तो ये था मेरा अनुपात का एक पद समान करने का कंप्लीट कंसेप्ट। अब चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात, जस्ता और तांबा का जो रेशियो दे रखा है वो दिया है 5:4 कहा जा रहा है, तथा उस मिश्र धातु की कुल मात्रा जो है वो 81 ग्राम है, कितना है, 81 ग्राम है। उसमें कितना ग्राम तांबा और मिलाया जाए कि जस्ता और तांबा का अनुपात 4:5 हो जाए। गौर करेंगे क्या मिला रहा है, तो तांबा मिला रहा है, तो तांबा को मिलाएगा तो तांबा का मात्रा परिवर्तित होगा, जबकि जस्ता का मात्रा क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जस्ता यहां पर 5 है और यहां पर क्या है, 4 है, तो बोले इसमें किससे गुना कर देंगे, तो इसमें गुना कर देंगे हम 4 से और इसमें गुना कर देंगे हम 5 से। देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। अब चूंकि हमने इसमें 4 से गुना किया इसलिए इसमें भी 4 से करेंगे, इसमें 5 से किया इसलिए इसमें भी किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखिए तांबा पहले कितना था, तो 4 गुने 4 16 था, अब कितना हो गया, 25, बोलिए कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 9, और यही हमें निकालना था कि कितना बढ़ा हुआ है। तो टोटल मेरा मात्रा कितना था, तो 81 ग्राम था, लेकिन यहां पर कितना है, तो 5 का 20 और 4 का 16, तो 20 और 16 कितना होता है, 36, और यहां पर कितना बढ़ गया, 9, तो 9 से हम क्या करेंगे, गुना, यहां से कैंसिल होगा 4 बार में, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20.1/4 ग्राम। अर्थात इसमें जो तांबा मिलाई गई है वो किसकी मात्रा क्या है भाई, तो 20.1/4। मेरा अगला प्रश्न कह रहा है कि 87.1/2 लीटर दूध में, तो 87.1/2 लीटर दूध में दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, अर्थात मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। करा इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए कि इसका अनुपात उलट जाए, अर्थात 2:3 है तो 3:2 क्या हो जाए, 2 हो जाए। अब ध्यान दे वाष्प करके क्या उड़ा रहा है, तो पानी उड़ा रहा है,
तो पानी उड़ा रहा है तो पानी की मात्रा प्रभावित होगी, जबकि दूध का मात्रा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन मिल्क यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, बोलिए इसमें किससे गुना कर दे, तो तीन से गुना कर दे, इसमें किससे गुना कर दे, तो दो से गुना कर दे। अब जब आपने इसमें तीन से गुना किया तो इसमें भी तीन से, इसमें दो से गुना किया तो इसमें भी दो से, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए पहले वाटर कितना था, नौ, अब वाटर कितना हो गया, चार, बोलिए कितना निकल गया इसमें से, तो इसमें से निकल गया आपका कितना, पांच। तो टोटल मात्रा जो मिला था वो कितना था, तो यहां से करेंगे तो सात दुनी चौदह, पंद्रह की पांच कैरी कितना, वन, आठ दुनी सोलह, एक सत्रह, 175 बट्टा 2 लीटर ये टोटल मात्रा था। लेकिन यहाँ पर टोटल मात्रा कितना है, तो 3 गुने 3 9 और 3 दुनी 6 9 6 15, तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, 15 से। बोलिए पानी कितना बाहर निकल गया, 5 निकल गया, तो 5 से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, तो मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा 175 बट्टा कितना 6, 175 बट्टा 6। अब यहाँ से आप इसे पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो 6 दुनी 12 तो 12 हुआ, तो ये 12 हुआ, तो ये आपका 5 55 नछक 54 अर्थात 29 पूर्णांक 1 बट्टा 6 लीटर इसमें से क्या किया गया है, पानी को बाहर निकाला गया है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट के बिक्री का अनुपात, वनीला और चॉकलेट के जो बिक्री का अनुपात है वो क्या है भाई, तो 2:3 है। करें यदि वनीला 4 और बिक जाती तो इसका अनुपात 3:4 क्या हो जाता, 4 हो जाता। ध्यान देंगे यहां पर क्या और बिक जाती, तो वनीला और बिक जाती, अर्थात अगर वनीला बिकेगा तो वनीला की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन चॉकलेट की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आपका क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहने वाला है। लेकिन यहां पर ये 3 है और यहां पर ये क्या है, 4 है, तो इसके वैल्यू को सेम करेंगे, तो बोलिए इसमें किससे गुना कर दे, 4 से, और इसमें किससे गुना कर दे, 3 से। जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, और इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। अब देखिए पहले वनीला कितना था, 8 था, अब वनीला कितना हो गया, 9, बोलिए कितना ज्यादा बिक गया, तो 1 बिक गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना बिका भाई, 4, तो 4 का कंपेरिजन हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, तो पूछा जा रहा है कि उस दिन कितनी वनीला बिकी थी, तो ये तो कल्पना कर रहा था ना, उस दिन तो स्टार्टिंग में 8 ही था बिका हुआ, वो तो कल्पना कर रहा था कि एक और बिक जाता, तो उस दिन 8 बिका था, एक और बिका तो कितना हो गया, 9, तो ये तो कल्पना कर रहा था, रियल में बिका कितना था उसका, 8, तो 4 का कंपैरिजन करेंगे 1 से, जो 1 ज्यादा बिका और टोटल चाहिए, इसलिए 8 से गुना, तो 8 होगा 32, 32 जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। चलिए अब हम देखते हैं नेचर 2 के क्वेश्चंस को, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपका अनुपात का एक पद समान करने वाला कंसेप्ट नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि दोनों मात्राओं में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, जब दोनों मात्रा में अर्थात दोनों पदार्थ की मात्रा में जब परिवर्तन किया जाएगा तो उस केस में आपका ये कंसेप्ट नहीं लेगा। इस बात को समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन नेचर 2 में लिए हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि दूध और पानी के एक मिश्रण में इनकी मात्रा क्रमशः 4:3 है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 क्या है, 3 है। अब कहा जा रहा है कि उसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दीजिए, दूध भी मिला रहा है पानी भी मिला रहा है, इसलिए यहाँ अनुपात के एक पद समान करने का कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप जो उनकी मात्रा का रेशियो हो जाता है वो क्या होता है, 3:2 के अनुपात में हो जाता है, तो आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान देंगे हम इसे फिक्स कर देंगे, हमने मान लिया कि ये 4x है और हमने इसे मान लिया कि ये क्या है, 3x। मिल्क में कितना मिलाया था, तो 12 मिलाया था, और वाटर में कितना मिलाया था, तो 4 मिलाया था। अब जब मिलने के बाद इनका जो रेशियो बनता है क्वेश्चन के अनुसार वो रेशियो 3:2 क्या है, 2, तो दूर का गुना दूर से करेंगे, नजदीक का गुना नजदीक से करेंगे, पहले x का कैलकुलेशन कर लिया जाए, 4 × 8 तितिरी का 9, तो 4 × 8x तितिरी का 9x, तो 9x में से 8x जाएगा क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब देखिए 12 × 24 और चरती आई 12, तो 24 में से 12 जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12, तो x आपका 12 आ गया, आपसे टोटल मात्रा पूछा गया, तो 4 × 3 = 7 अर्थात 7x का वैल्यू क्या होगा, तो 12 × 7 = 84 अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 84। अब हम देखते हैं नेचर 3 के क्वेश्चन को कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि 9 मिली सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए।
तो चलिए इस प्रश्न को पहले हम उसी कंसेप्ट से बनाते हैं जो कंसेप्ट अभी आपने रेशियो वाला सीखा। इस कंसेप्ट से पहले सॉल्व करते हैं। इसमें दो चीज है, एक अल्कोहल है और दूसरा आपका क्या है, पानी है। कह रहा है कि 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। तो जब अल्कोहल आपका 50% है तो पानी भी आपका कितना प्रतिशत होगा, तो 50% होगा। अब करा इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। जब 30% अल्कोहल होगा तो 70% आपका क्या हो जाएगा, तो ये पानी हो जाएगा। अगर हम रेशियो लेते हैं तो यहां आपका रेशियो बनेगा 1:1, और यहां अगर रेशियो लेते हैं तो आपका रेशियो बनेगा 3:7। अब गौर करेंगे इसमें मिलाया क्या गया है, तो इसमें मिलाया गया है पानी। तो पानी का मात्रा तो बदलेगा लेकिन अल्कोहल का मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। ये मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। लेकिन यहां पर एक है तो यहां पर क्या है, तीन है। तो बोले इस एक को तीन बनाने के लिए किससे गुना, तीन से, और इस तीन को तीन बनाने के लिए तो एक से आप गुना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहां आपने तीन से गुना किया तो यहां भी तीन से गुना करना होगा, यहां एक से गुना किया तो यहां एक से भी गुना करना होगा। अब देखिए पहले पानी तीन था, अब पानी कितना हो गया, सात। बोलिए पानी की मात्रा में कितने का वृद्धि हो गया, चार। अब स्टार्टिंग में जो सेविंग लोशन था वो कितना था भाई, तो 9 मिलीलीटर था, 9 ml था। तो 9 ml का कंपेरिजन बोलिए हम किससे करेंगे, तो 3 और 3 6 से करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 अल्कोहल है और 3 क्या है, पानी है। तो 3 और 3 6, तो 9 ml का तुलना किससे करेंगे, 6 से। कितना पानी मिलाया गया, 4 4 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से ये 3 बार में, तो 3 × 2 = 6, 6 मिलीलीटर इसमें क्या किया गया, पानी मिलाया गया। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेशियो से। लेकिन गौर करेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन गया, समय ज्यादा ले लिया, तो अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं परसेंटेज के ही अप्रोच से। यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो यहाँ पर टाइमिंग लगा, उस टाइमिंग को लगने का मेन रीजन जो है वो क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज को, और इस वजह से मेरा समय ज्यादा लग जा रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब करने वाले हैं कि परसेंटेज से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमने इसमें पानी मिलाया, तो अल्कोहल का मात्रा जो पहले कंडीशन में था वही दूसरे कंडीशन में है। इसका मतलब कि जो अल्कोहल का मात्रा, अल्कोहल का जो मात्रा पहले था वही अल्कोहल का मात्रा बाद में भी होगा। लेकिन स्टार्टिंग में अल्कोहल कितना था भाई, तो 6 ml था, तो 6 ml में अल्कोहल मेरा कितना परसेंट था, तो 50% था। 6 ml में अल्कोहल कितना था, तो 50% था, सॉरी 6 ml नहीं है, 9 ml है। 9 ml में मेरा अल्कोहल कितना था, 50% था। अब कह रहा है कि इसमें कुछ मिला दिया गया, क्या मिलाया गया, पानी। तो 9 से ये बढ़कर 9+ क्या हो गया, x हो गया। कुछ भी मात्रा तो बढ़ा होगा, तो हमने मान लिया कि 9+ क्या हो गया, x हो गया। तो अब इसमें अल्कोहल कितना परसेंट, तो क्वेश्चन के अनुसार अल्कोहल 30% है। अब ये दोनों मात्रा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले भी अल्कोहल का उतना ही मात्रा है, बाद में भी अल्कोहल का उतना ही मात्रा है। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 3 से 3 बार में चला जाएगा और 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो 5 15, तो 15 = 9+x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 ml, अर्थात कितना इसमें मिलाया गया, 6 ml। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न कि इस तरीके से। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 50 लीटर चीनी तथा पानी के एक घोल में 16% चीनी है, इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाए, तो बताए कि नई घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। ध्यान देंगे क्या उड़ाया जा रहा है भाई, तो वाष्पीकृत करके पानी को उड़ाया जा रहा है। तो पानी को जब आप निकालेंगे तो पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन जो चीनी का मात्रा पहले होगा वही चीनी का मात्रा बाद में भी होगा। तो चीनी कितना था भाई, तो 50 लीटर चीनी और पानी का घोल था, तो 50 लीटर में चीनी कितना परसेंट था, तो 16% था। अब क्या हुआ कि 2 लीटर को वाष्पीकृत कर दिया गया, तो 50 में से 2 निकल गया, तो अब मात्रा कितना हो गया, 48 हो गया।
तो इसमें पूछा जा रहा है कि बोलिए चीनी कितना प्रतिशत है, तो हमने मान लिया चीनी कितना परसेंट है भाई, तो एक्स परसेंट है, तो जो चीनी का मात्रा इधर वही चीनी का मात्रा इधर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 16 से ये चला जाएगा आपको 3 बार में, तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो होगा 50/3, अर्थात 16.2/3% जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि ताजा फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फल में 20% है, कह रहा है 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देंगे, गौर करने वाली बात है, ताजे फल से सूखा फल प्राप्त किया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ताजे फल में से जब पानी निकलता है तो वो क्या होता है, सूख जाता है, अर्थात ताजे फल से जब नमी बाहर निकलता है तभी वो सूखता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये बात बोलना चाहता है कि फल से पानी को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वाष्पीकृत किया जा रहा है, तो जब पानी निकाला जा रहा है तो पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फल का शेष मात्रा पहले था वही शेष मात्रा क्या होगा, अब भी होगा, क्योंकि पानी निकलने के बाद जो भी उसमें बच जाए, गुद्दा, उसका ऊपरी सतह या अंदरी भाग, या उसका बिया हो, या जो भी हो, जो उस रिमेनिंग पार्ट बच गया, तो पानी निकला तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, समान होगा, तो उसमें देखेंगे क्या है भाई, तो 100 केजी ताजा फल था, कितना केजी ताजा फल था, 100 केजी ताजा फल था, और इसमें 68% क्या था, पानी था, तो जब पानी 68% था तो बोलो शेष मात्रा कितना परसेंट था, तो 32% था। गौर करेंगे, जो आप लिखेंगे प्रतिशत उसी का वैल्यू होना चाहिए, शेष मात्रा ले रहे हैं 68% पानी है, तो 32% क्या है, शेष मात्रा है। अब कहा गया है कि कितना सूखा फल प्राप्त होगा, तो ये हम कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा, जब सूखेगा तो कुछ ना कुछ पानी निकलेगा, तो हमने मान लिया कि 100 माइनस x हो गया, 100 माइनस क्या हो गया, x हो गया, या ये भी बोल सकते हैं कि निकलने के बाद ये सूखा फल ही प्राप्त होगा, कुछ पानी निकलेगा तो ये सूखा फल ही प्राप्त होगा, तो सूखे फल में कितना है भाई, तो सूखे फल में 20% पानी है, तो जब 20% पानी है तो 100 में 20 पानी हो गया, तो 80 क्या हो गया, शेष हो गया, तो ये 80% दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 16 से 2 बार में, और 16 से कितना बार में, 5 बार में, और 5 से कितना बार में, 20 बार में, तो 20 दूनी 40, अर्थात जो सूखा फल होगा यही सूखा फल है, क्योंकि नमी निकलने के बाद सूख गया, तो सूखा फल कितना होगा, 40 केजी हो जाएगा, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछा गया होता कि इसमें से कितना पानी निकला, तो आप क्या करते, यहां से x का वैल्यू निकाल लेते, अर्थात ये क्या हो जाएगा, तो x बराबर 100 माइनस 40, अर्थात कितना, 60 केजी, अर्थात आपका जवाब होगा कि जो पानी की मात्रा निकली, पानी जो है वो इसमें से कितना केजी निकाला गया है, तो पानी इसमें से 60 केजी निकाला गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है, क्या क्या है भाई, तो पानी है, अल्कोहल है और स्प्रिट है, ये 3 चीज इसमें है। कह रहा है कि 40% पानी, पानी कितना है इसमें, 40%, 25% क्या है, अल्कोहल, और शेष क्या है, स्प्रिट है, तो स्प्रिट कितना परसेंट होगा, 35%, क्योंकि 40, 25, 65, तो स्प्रिट कितना हो जाएगा, 35%। अब कह रहा है उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल 10% हो जाए, अल्कोहल क्या हो जाए, 10% हो जाए, तथा स्प्रिट अपरिवर्तित रहे, इसका मात्रा नहीं बदले, ये अपरिवर्तित है, ये अपरिवर्तित रहेगा, इसका मात्रा नहीं बदलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न को, इसमें मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया तो पानी का मात्रा क्या होगा, बदल जाएगा, वाजिब सब बात है कि पानी पर प्रभाव पड़ेगा और वो मात्रा बदल जाएगा, लेकिन अल्कोहल भी अपरिवर्तित रहेगा, इसके भी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और स्प्रिट भी आपका अपरिवर्तित रहेगा, इसके भी मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि हम भाई लेकर के किसको चले, किससे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ध्यान देंगे अल्कोहल का पहला प्रतिशत भी दिया हुआ है, पहले कंडीशन वाला,
और बाद वाला कंडीशन वाला भी प्रतिशत दिया हुआ है, लेकिन स्पीड का पहला तो दिया हुआ है लेकिन दूसरा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम स्पीड को लेकर नहीं चलेंगे, हम किसको लेके चलेंगे, अल्कोहल को लेके चलेंगे, और क्वेश्चन मेरा इजी तरीके से सल्व हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल का मात्रा पहले था वही अल्कोहल का मात्रा क्या है, अब भी है। तो कितना अल्कोहल का मात्रा पहले भाई, तो 60 लीटर में 25% अल्कोहल पहले था। अब क्या होता है भाई, तो 60 में 25% अल्कोहल पहले था और हो क्या रहा है कि इसमें कुछ पानी मिला रहा है, तो हमने मान लिया कि 60 प्लस क्या किया x, 60 प्लस x इसमें क्या किया मिलाया, x यहाँ पर क्या है भाई पानी है, तो अब अल्कोहल कितना परसेंट हो जाता है, तो अब अल्कोहल 10% हो जाता है, तो ये दोनों मात्रा आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो ये 10 से आपको 6 बार में चला गया, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, 150 बराबर 60 प्लस x, तो बोलिए x का वैल्यू कितना होगा 90। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 90 लीटर पानी क्या किया गया है मिलाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 20% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में से 2 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी। तो गौर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आपको जानना होगा, पहले मैं वो कंसेप्ट आपको बता देता हूं ताकि आपकी जो बातें सारी है इस क्वेश्चन के अनुसार वो क्लियर हो जाए, और तब फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखिए आपको 2 प्रयोग करने होंगे, प्रयोग पहला और प्रयोग दूसरा, दोनों प्रयोग को गौर से आप पहले समझेंगे और फिर आप इन चीजों को सल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है, ये क्या है एक ग्लास है, इस ग्लास में हमने क्या किया कि पूरा भरकर पानी ले लिया, पूरा भरकर क्या किया इसमें पानी ले लिया, और फिर मैंने इसमें क्या किया कि चम्मच से शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया, और इसको कम से कम 10 मिनट तक पूरी तरह से हमने क्या किया मिला दिया, क्लियर है। ये पहला मेरा प्रयोग था। दूसरे प्रयोग में हम क्या करेंगे, यहां भी हम ग्लास लेंगे यहां भी हम पानी लेंगे, और चम्मच से हम क्या करेंगे कि हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे मिलाएंगे नहीं, इसे जस का तस हम क्या करने वाले हैं छोड़ देने वाले हैं। तो गौर करिएगा इस दोनों प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, यहां पर आपने चीनी को पूरी तरह से मिला दिया 10 मिनट तक ताकि वो पूर्ण रूप से उसमें क्या हो जाए घुल जाए। अब आप इसको पीजिए, मैंने बोला आप इसको पिए, तो आप जब इसको पिएंगे तो ये कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। हम बोल रहे हैं कि थोड़ा मात्रा गिरा दीजिए, अब थोड़ा मात्रा गिराने के बाद पीजिएगा तो भी क्या लगेगा, मीठा लगेगा। हमने बोला कि अब आधा मात्रा गिरा दीजिए, अब पीजिए तब भी वो क्या लग रहा है, मीठा लग रहा है। मतलब हर कंडीशन में ये आपको मीठा लगने वाला है, अर्थात स्वाद में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, लेकिन इस कंडीशन में जब हम आपको पानी पीने के लिए कहेंगे तो आप पानी पीजिएगा तो वो पानी जैसा लगेगा। यहां आपने मिश्रण तैयार किया नहीं क्योंकि आपने मिलाया नहीं उसको और डायरेक्ट पीना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या लगेगा पानी जैसा। थोड़ा मात्रा गिरा करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा मीठा हो सकता है कि इस पोजीशन पर लगे, अब थोड़ा सा पानी और आप गिराएंगे तो थोड़ा और ज्यादा मीठा लगेगा, जब सारा पानी गिर जाएगा तो लगेगा कि हम चीनी ही क्या कर रहे हैं फाक रहे हैं। तो देखिए यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि देखिए ये जो मिश्रण आपने तैयार किया ये समांग मिश्रण हो गया, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो जब ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो गया तो इसके सभी सिचुएशंस में अर्थात सभी प्लेस पर, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, हर जगह पर चीनी और पानी का जो रेशियो है, चीनी और पानी का जो अनुपात है वो क्या है, समान है।
लेकिन इसमें सभी जगह पर चीनी और पानी का अनुपात समान नहीं है, इसलिए इसमें से कुछ मात्रा निकाल करके भी पीने पर ये मीठा ही लग रहा था, लेकिन इसमें से कुछ मात्रा निकालने पर ये मीठा नहीं लग रहा था। तो एक बात आप नोट करके यहां पर लिखेंगे, नोट क्या है भाई? समांग मिश्रण से, संगमांग मिश्रण से मिश्रण की कुछ मात्रा निकालने या डालने पर मिश्रण में उपस्थित पदार्थों के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान देंगे, फिर एक बार इस बात को हम समझाना चाहेंगे कि यदि मिश्रण तैयार है, उस मिश्रण में से आप कुछ मात्रा निकाल भी लेंगे तो उसके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वैसा ही मिश्रण पुनः उसमें डाल भी देंगे तो उसमें मौजूद पदार्थों के रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि 20% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में से, एल्कोहल और पानी का क्या है, विलयन है, 2 लीटर विलयन को निकाल दिया गया, अर्थात 5 लीटर विलयन में से 2 लीटर विलयन को क्या किया, निकाल दिया, और उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया, तो नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी? गौर करेंगे, क्या डाला भाई, पानी तो पानी का मात्रा बदल जाएगा, लेकिन जो एल्कोहल पहले था वही एल्कोहल क्या होगा, अब भी होगा, इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में विलयन कितने का था, तो 5 लीटर का था, तो 5 लीटर में से उसने 2 लीटर विलयन क्या किया, निकाल दिया, तो 2 लीटर विलयन निकाल दिया, तो विलयन मेरा बचा कितना, 3 लीटर। इस 3 लीटर के विलयन में बोलिए एल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो 20% है, ये पहले भी उतना ही रहेगा और अब भी उतना ही रहेगा, अर्थात इसका प्रतिशत मात्रा या अनुपात का वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं। अब क्या किया कि 2 लीटर विलयन निकाला, लेकिन उसके जगह पर उसने क्या किया, पानी डाल दिया 2 लीटर, तो ये 3 था, तो 3 और 2 ये मिलके कितना हो गया आपको, 5 हो गया, लेकिन पूछ रहा कि अब अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, तो अब अल्कोहल का प्रतिशत बदल जाएगा क्योंकि उसमें उसने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, लेकिन ये दोनों की मात्रा आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी, तो यहाँ 5 से 4 बार में कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12%, अर्थात अब अल्कोहल की जो मात्रा होगी वो कितना परसेंट होगा, 12%।